फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपका साथ शेयर करने वाली हूँ बचे हुए चावल का नाश्ता, जो कि बहुत ही चटपटा होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे आप कम ऑयल में बना के खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी भी होता है साथ में। और ये चावल की टिक्कियाँ हम बनाएंगे। ये नाश्ता बहुत ही चटपटा होता है और इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाया मैंने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है ये चावल। चावल ये मैंने दिन में बनाए थे तो थोड़े बचे गए थे, तो मैंने इसको स्नैक्स में बनाया था शाम के चाय के साथ, तो बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कप राइस था, तो हमने यहाँ पे एक कप यहाँ राइस फ्लोर लिया है मैंने। तो उसके बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और बाकी और हमें यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। और इसको हमें इस तरह से मिलाते हुए एक डोसा रेडी करना है हमें। और अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं, नहीं तो जो राइस का मॉइस्चर होता है उससे ही हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है क्योंकि मैं थोड़ा चटपटा बना रही हूँ, तो इस तरह का बाइंड हो जाना चाहिए। देख सकते हैं आप किस तरह से इसकी बाइंडिंग हो गई है, तो इस तरह का हमको रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, छोटे छोटे इसकी एक पेड़े बना लेने हैं। उसके बाद हमें हाथों की हेल्प से टिक्की बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इस शेप में टिक्की बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी टिक्की बना के रख ली हैं इस तरह से, तो देख सकते हैं आप कैसी बनी हुई है। इस तरह से बना के रख लीजिए आप। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है, उसमें हमें थोड़े ऑयल डालना है। उसके बाद ये हमने तड़के में डालने के लिए लिया है राई, करी पत्ता, जीरा और तिल और हरी मिर्च। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो यहाँ पे मैंने इसको भूनना है। जब ये चटक जाएगा तिल और सारी मसाले, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस आप क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने और लिया है हाफ नींबू। यहाँ पे मैंने 1 गिलास वाटर डाला है। 1 गिलास वाटर डालने के बाद इसको हमें अच्छे से बॉयल करना है, उसमें हल्दी ऐड करके। थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा हल्दी से, तो अच्छा लगेगा देखने में भी हमारा नाश्ता। यहाँ पे थोड़ा पिंच हल्दी हींग डाला है मैंने। उसके बाद इसे हमें अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं पानी कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है। फिर जो हमने टिक्की बनाई है, उस टिक्की को हमें इसके अंदर एक एक करके डाल देना है। तो आप देख सकते हैं, और इतना अंदाज के हिसाब से आप पानी ले सकते हैं कि टिक्की हमारी थोड़ी डूब जाए और ऊपर से पानी रहे। उसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने सारी टिक्की इसके अंदर डाल दी है। उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है, फिर ओपन करके आप देख सकते हैं। और हमें इसको हाई फ्लेम पे करना है, और अभी हमें इसे टच नहीं करना है, केवल हम कढ़ाई को हिला सकते हैं क्योंकि अगर हम टच करेंगे तो टूट सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आप अच्छे से पानी जल गया है और हम अब ये अच्छे से हो गया है, तो अब हम इसे थोड़ा सा अलट पलट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको पलट ले रही हूँ। और इसके बाद हमें इसको यहीं पर अच्छे से ड्राई करना है, निकालना नहीं है, अच्छे से ड्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है बनाना और बहुत टेस्टी। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बना के देखना, बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे तब तक हमें इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका पूरा पानी सूख नहीं जाए। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा पानी लगभग सूख गया है, और थोड़ा जो हमने ऑयल डाला था वो ऑयल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बहुत कम ऑयल में बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी भी बनता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो यहाँ पे आप भिगो के पोहे का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब डालूँगी चाट मसाला, क्योंकि हमें चटपटा करना है। तो अब इसके ऊपर से चाट मसाला, और आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मैंने रेड चिली पाउडर नहीं डाला क्योंकि बच्चे भी खाएँगे तो बच्चे नहीं खाते हैं ज़्यादा चिली। तो यहाँ पे चाट मसाला डाल के फिर हमने यहाँ पे चॉप किए हुए कोरिएंडर ऐड कर दिया है।
उसके बाद हम देख सकते हैं इसको कितना अच्छा कलर आया है, वो कितने अच्छे से हो गया है हमारा ये चावल की टिक्कियाँ। अच्छा सा नाश्ता रेडी हो गया है तो मैं सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मैं पूरा सर्व करके आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये मेरा नाश्ता रेसिपी बचे हुए चावलों की? तो अभी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार और आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। और अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो डेली आती है तो आप लोग ज़रूर देखा करें। तो और फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और न्यू रेसिपी आपके लिए लाने के लिए। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।